हेलो स्टूडेंट दिस इज़ आरती वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल चलिए करते हैं आज एक नया चैप्टर नाइन्थ क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये क्लाइमेट जैसे कि आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा क्लाइमेट के बारे में आप लोग पहले से ही आपको कुछ नॉलेज होगी और बाकी के कुछ हम इस चैप्टर से ले लेंगे स्टार्टिंग से हमने भी बहुत सारे चैप्टर किए हैं लाइक इंडिया साइज एंड लोकेशन देन फिजिकल फीचर्स तो सारे जितने भी आपके चैप्टर है ना उनको हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे एक एक चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको समझोगे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने को मिल जाती हैं। लाइक जैसे कि हमारा क्लाइमेट चैप्टर है जिसे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी डेली लाइफ से प्रैक्टिकल में चीजें सारी देख सकते हैं टेम्परेचर प्रिस्पिटेशन एटमोस्फेरिक कंडीशन ये सारी चीजें आप इसमें अंडरस्टेंड करोगे लाइक देखो क्लाइमेट क्या होता है क्लाइमेट एक ऐसी situation होती है जिसमें हम अपने आस पास के एनवामेंट को देखते हैं ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह चैप्टर क्लाइमेट ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सीरियसली मुझे तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है ये नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर है ज्योग्राफी का हमारे पास में दो टॉपिक है एक है हमारे पास में क्लाइमेट एंड सेकेंड टॉपिक है हमारे पास में वेदर तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमने ये सुना भी होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर क्लाइमेट ऐसा है एंड हमने वेदर भी सुना है कि आज का वेदर थोड़ा सा गर्म है या फिर आज का वेदर थोड़ा सा ठंडा है या आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हम दोनों को हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है तो चलिए देखते हैं क्लाइमेट द टर्म क्लाइमेट इज द टोटल ऑफ वेदर कंडीशन देखिए एक वर्ड आया टोटल ऑफ वेदर कंडीशन सम टोटल ऑफ वेदर जो कंडीशन होती है क्या होती है इसको समझेंगे इंक्लूडिंग वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ़ टाइम हम देखो इसमें क्या बोले बोला सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन मतलब जितने भी वेदर होते हैं उनको अगर हम ऐड कर लें तो वो हमारा जाके क्या बन जाता है वो बन जाता है हमारा क्लाइमेट लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सबको हम ऐड कर दें और इसके बाद जो ये बना ये है हमारा क्लाइमेट इसे हम क्लाइमेट बोल सकते हैं ये है हमारा क्लाइमेट बट हमें पता कैसे चलेगा कि क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस क्या होते हैं वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है आपको क्लाइमेट समझने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि वेदर क्या है वट इज वेदर टर्म वेदर द स्टेट ऑफ द atmosphere atmosphere ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखो दोनों में एक वर्ड any पॉइंट ऑफ टाइम हम जो अपने environment में डेली का जो चेंजेस देखते हैं ना वो हमारा वेदर होता है मैं बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी अभी थोड़ा बादल घिरे हुए हैं बारिश होने वाली है और सडनली आफ्टर टू आवर्स एंड थ्री आवर्स मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया सन बिल्कुल राइज हो रहा है मस्त वाला एकदम तो उसमें क्या है अभी तो बारिश हो रही थी एंड अभी क्या हो गया सूरज निकल गया तो जो ये वेदर था ना हमारा बिल्कुल चेंज हो गया आज बारिश है कल मौसम बिल्कुल साफ़ है तो ये वेदर होता है जो किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चेंज हो जाता है वो हमारा वेदर होता है और क्लाइमेट होता है जो एक ही सीक्वेंस में चल रहा है और उसको चेंज होने के लिए काफी लंबा टाइम लगता है लाइक मोर देन थर्टी एंड फोर्टी ईयर्स लगते हैं किसी भी क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बट वेदर को चेंज होने के लिए कोई भी इतना लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ नहीं लगता उसको सिर्फ वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो सकता है जो आपका वेदर है वो आ, मतलब वन आवर्स टू आवर में भी चेंज हो जाता है एंड डेज uh, में भी चेंज हो जाता है वन एंड टू डेज में वीक में एंड मंथ्स में भी चेंज हो जाता है फोर एंड थ्री मंथ्स आफ्टर भी चेंज होता रहता है जैसे इंडिया में लाइक like, हम बोलते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है स, आ, समर समर के बाद में रेनी सीजन एंड रेनी के बाद में विंटर सीजन तो ये जो पूरी प्रोसेस इन, इन इंडिया में होती है तो ये हमारा वेदर चेंज होता है क्लाइमेट चेंज नहीं होता लाइक को, कोई एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा है लाइक रशिया बहुत ही ठंडा एरिया है तो वहाँ पर ऑल टाइम ठंडा ही रहता है स्नो पड़ती रहती है पूरा ठंडा एरिया है तो वहाँ का अगर हम क्लाइमेट देखें तो हम पूछे ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रशिया का जो क्लाइमेट है किस टाइप का है ओके तो रशिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कोल्ड है ठंडा एरिया है वहीं हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं वो ट्रॉपिकल के आसपास है तो वो गर्म है अफ्रीका नाम आते ही हमें वहाँ पर ये पता चल जाता है कि हॉट ह्यूमिड है एंड वहाँ पर आ, समर का टाइम रहता है गर्मियाँ रहती हैं और दूसरी जगह हम रशिया लें तो रशिया ठंडा एरिया है तो वहाँ पर प्रॉपर ठंड पड़ती है तो उस कंडीशन में हमें यह पता चल जाता है कि रशिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ठंडी है और अफ्रीका की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो <laughs> गर्म है यह हमें पता कैसे चलता है अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ठंड है तो इक्वली ठंड होगी कभी ज़्यादा और कम नहीं होगी देखो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो ठंडी है बट वेदर तो वहाँ पर भी चेंज हो रहा होगा ना लाइक आज बहुत ज़्यादा ठंड है आ, हो सकता है दूसरे दिन कम ठंड हो आज के अकॉर्डिंग आज के कंपैरिजन में कल कम ठंड हो या फिर नेक्स्ट डे में उससे भी ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है तो जो ये इस टाइप से चेंज हो रहा है ना ये वेदर चेंज हो रहा है बट अगर उसकी बेसिकली देखें तो वो एक ठंडा एरिया है तो वहाँ पर ऑल टाइम ठंड ही रहती है सेम ऐसे अफ्रीका का इक्वल गर्मी थोड़ी ना पड़ती होगी आज गर्मी ज़्यादा है तो कल गर्मी थोड़ी सी कम होगी तो ये जो ये जो चलता है ना लाइक आज थोड़ी सी गर्मी कम है कल थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई बट वहाँ पर है क्या है तो गर्मी ही तो ये जितने भी वेदर को मिलाकर बना है वो होता है हमारा क्लाइमेट एक ठंडा प्लेस है तो वहां पर ठंड ही पड़ेगी बट वेदर तो वहां पर भी चेंज हो सकता है ना आज कम ठंड है कल ज्यादा ठंड हो सकती है ऐसे किसी भी एरिया का हो सकता है तो ये वेदर एंड क्लाइमेट में ये डिफरेंस होता है वेदर कभी भी चेंज हो सकता है बट जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट अपने ही टाइम पर फिक्स होता है क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता इन सपोज अगर चेंज होता भी है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जैसे कि आप देख रहे हो इसमें मोर देन थर्टी एंड फोर्टी ईयर्स का टाइम लगता है किसी भी क्लाइमेट को चेंज होने के लिए अगर हम वेदर की बात करें तो वो तो कभी भी चेंज हो सकता है लाइक आज कम ठंड है कल बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी या फिर आज बहुत कम गर्मी है कल ज़्यादा गर्मी हो जाएगी बारिश का भी सेम है तो इंडिया में तो तीन तीन चार चार मंथ करने के बाद भी सीजन चेंज होते हैं उसी को हम बोलते हैं वेदर बट अगर इंडिया के क्लाइमेट की बात करें कि इंडिया का किस टाइप का क्लाइमेट है तो हम उसे मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल सकते हैं जो कि अभी आगे आएगा वो भी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी अभी तो फर्स्टली आप वेदर एंड क्लाइमेट को समझिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वट इज वेदर एंड वट इज अ क्लाइमेट जो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो जाए कभी भी चेंज हो जाए वो आपका वेदर होता है और जिसको चेंज होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगे इवन थर्टी एंड फोर्टी ईयर या फिर कह सकते हैं चेंज भी ना हो वो होता है हमारा क्लाइमेट कोई ठंडी जगह है तो वो ऑल टाइम ठंडी ही रहेगी ना जो अंटार्कटिका के पास में है या पोलर रीजन के पास में है वो तो चेंज कैसे वहां गर्मियां थोड़ी जाएंगी वो एरिया तो ठंडा ही रहेगा तो वहां का अगर हम रीजन पूछे किस टाइप की कंडीशन है तो हम बोल सकते वो एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां गर्मियां ज्यादा है वहां समर टाइप के क्लाइमेट कंडीशन है तो ये होते हैं हमारे क्लाइमेट जो जल्दी चेंज नहीं होते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चेंज होता है वो वेदर और ऑफ़ टाइम होता है, मतलब एक लंबे समय तक वो चलता रहता है वो होता है हमारा क्लाइमेट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ठंडा एरिया है ये भी ठंडा एरिया है बट ये ठंडा एरिया नहीं है ये ठंडा एरिया नहीं है तो यहाँ तो हर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो वेरी करती है और सब जगह की अलग अलग होती है ओके अब इसके कुछ एलिमेंट्स भी है अब वैसा तो है नहीं ठंड पड़ रही है तो उसका कोई रीजन नहीं होगा कहीं पे स्नो है तो उसका कोई रीजन नहीं होगा हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है ओके, अगर किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा समर है तो वहां पर भी इक्विटोरियल क्लाइमेट है देन वहां पर समर है और कोई भी ठंडा प्लेस है तो बहुत ही सॉलिड रीजन उसके लिए भी होगा कि क्यों वहां पर वाई वो इतना कोल्डी एरिया है ओके तो उसके भी कुछ एलिमेंट्स है वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम तो वेदर के और क्लाइमेट के दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम है बोथ आर द सेम एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन सो वी आर वी आर फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स। फर्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस टॉपिक टेम्परेचर किसी भी चीज को चेंज करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि टेम्परेचर ही अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समर अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो ठंड तो इसलिए इसका मेजर रोल है एंड ह्यूमिडिटी एटमोस्फेयर प्रेशर प्रशन एंड विंड सारी चीजों को हम पढ़ेंगे आप इंडिया से बाहर देख लो या फिर आप इंडिया में ही देख लो कितने सारे वेरिएशन है किसी जगह पर तो क्लाइम किसी जगह पर तो जो वेदर कंडीशन में टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है और सेम टाइम पे अगर हम किसी दूसरी जगह का देखें तो वहां पर टेम्परेचर लो जा रहा है सेम टाइम का कहीं ट्वेंटी 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 टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो सेम टाइम का कहीं पर टेन डिग्री सेल्सियस है एक ही टाइम में एक ही कंट्री में इतनी वेरिएशन देखने को मिलती है ये हमारी वेदर कंडीशन है और सेम क्लाइमेट के लिए भी यही एलिमेंट्स फॉलो किए जाते हैं टी एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड प्रसिपिटेशन एंड सारी चीजें डिपेंड करती है आपके क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करती हैं और किसी भी वेदर को इफेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेनी सीजन समर सीजन एंड विंटर सीजन कोई भी वेदर इन्हीं तीन सीजन में चेंज होता है इनके अलावा और कोई सीजन नहीं है जिसमें चेंज हो सकता है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं कभी सीजन ले सकते हो यही है आपके समर रेनी सीजन एंड विंटर ऑन द बेसिस द मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज तो ये तीन सीजन आपके ऐसे हैं जो पूरे ईयर को डिवाइड कर देते हैं वेदर में ओके okay? तो समर सीजन क्या होता है समर वो सीजन होता है आपका जिस टाइम में गर्मियां महसूस होती हैं तो ये वेदर ही तो है अब ये फोर मंथ के बाद में चेंज हो रहा है फोर मंथ के बाद में आपकी रेनी सीजन आ रहा है वो भी फोर मंथ के बाद चेंज हो रहा है एंड देन विंटर स्टार्ट हो रहे हैं आपके तो ये एक चेन टाइप का चल रहा है समर रेनी सीजन एंड देन विंटर तो ये एक सीजन को या फिर एक ईयर को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब तीन इक्वल पार्ट्स में इनको जब डिवाइड किया है तो ये हमारे क्लाइमेट तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज होने के लिए एक दैट्स वे वेदर कंडीशन आपकी ऑन द डिपेंड ऑफ वेदर कंडीशन द वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफ विद इन डे जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि जो हमारी वेदर कंडीशन होती है वो फ्लैक्चुएट करती है विद इन अ डे पूरे डे में भी फ्लैक्चुएट कर सकती है एंड डे टू डे में भी वो फ्लैक्चुएट कर सकती है आज तब आज गर्मी बहुत ज्यादा है कल में भी कम हो जाए या फिर आज ठंड बहुत ज्यादा है मे बी कल कम हो जाए या फिर आज बारिश या कल बारिश ही ना हो तो ये सारी चीजें क्या होती है ये सारी हमारी वेदर कंडीशन होती हैं फ्लैक्चुएट होती रहती है स्टेबल नहीं है लाइक क्लाइमेट हमारा स्टेबल है कि मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट ही रहेगा अब ऐसा नहीं है कि मानसून हट के किसी और कंट्री में जाकर इंडिया में कोल्ड सीजन आ, आ जाए या प्रॉपर ठंड पड़ने लग जाए स्नो पड़ने लग जाए पूरे रीजन में या फिर पूरे रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होने लग जाए ऐसा नहीं है तो इसलिए बोलते हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है बेस्ड ऑन द जर्नलाइज मंथली एटमोस्फेयरिक कंडीशन बेस्ड ऑन द जर्नलाइज एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है जिस टाइप का एटमोस्फेयर होगा उस टाइप के इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है द एयर इज डिवाइडेड इंटू सीजन ईयर थ्री सीजन में डिवाइड होते हैं समर रेनी एंड विंटर As winter, summer and rainy seasons, the world is divided into a number of climatic region. India three seasons में divide है और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन है ठीक है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन कोई प्लेस बहुत ज्यादा कोल्ड ही है देन कोई प्लेस बहुत ज्यादा हॉट है तो अगर वर्ल्ड में बात करें तो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजनस है लाइक like जैसे हम देखते हैं एशिया की अलग है इंडिया की अलग है एंड अदर साउथ एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ये जितने भी हैं इनके सबके पास में क्या है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ये सारे एशिया में या फिर एशिया के आसपास का जो इस टाइप का पूरा रीजन आता है लाइक ये इंडिया का मैप है इस टाइप का जो पूरा रीज़न होता है वो आपका सारा ही मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है <laughs> इसको भी मैं बताऊंगी कि मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसे बनता है क्या चीज़ें होती है मानसून को बनाने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट डालते हैं किस वजह से हमने इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला है इंडिया क्यों मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो इस टाइप के आपके मोस्ट ऑफ आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो एक ए, आ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड

लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो एक लॉन्गर पीरियड में जाकर चेंज हो वो हमारा क्लाइमेट होता है, weather changes on a daily basis. जो weather है हमारा चेंज हो जाता है बट क्लाइमेट ऑफ अ गिवन प्लेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ओवर थर्टी टू फोर्टी ईयर्स और जो क्लाइमेट होता है उसको चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको <coughs> उसके लिए आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए लॉन्ग पीरियड काफ़ी लंबे टाइम बाद वो चेंज होता है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी मॉनसून इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एलनीलो वगैरह वो आपके टॉपिक से हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं उनके ऊपर बाद में वीडियो डालूंगी बट अभी तो नहीं कुछ टाइम बाद डालूंगी अभी आपके सिलेबस के लिए है तो जितना आपके सिलेबस में है उतना करा रही हूँ उसको उससे रिलेटेड भी आपके बहुत अच्छी से वीडियो लेकर आऊंगी उसके लिए भी ताकि इनकेस आपको कभी जरूरत पड़ती है उन चीजों की तो आपके पास में एक छोटी सी वीडियो हो उसके लिए बट अभी तो आप सिलेबस जितना कर सकते हो मॉनसून मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड द मॉनसून क्या है मॉनसून कैसे चेंज होता है क्या चीजें इफेक्ट डालती है इस पर वर्ड कहां से आया मॉनसून कहां से निकला तो इन सारी चीजों को करते हैं चलिए देखते हैं द word मॉनसून इज derived फ्रॉम द अरेबिक word मोसिम विच लिटरली मीन्स सीजन मैं आपको चलो एक स्टोरी सुनाती हूं उसके थ्रू आपको कुछ बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी ठीक है चलिए एक कंट्री है हमारे इंडिया के आसपास में लाइक ये है वो कंट्री ठीक है ये एक कंट्री है इंडिया के आसपास में कंट्री तो बनी नहीं क्या ही बन गया एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको उस स्टोरी के थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझ आ जाएगा ये एक कंट्री है दिख भी नहीं रहा है, तो हुँ। हुँ। ये एक कंट्री है इस कंट्री में कुछ लोग रहते हैं ये जो कंट्री है इस कंट्री का नाम है अरब ओके अब यहां पर है हमारा प्यारा सा इंडिया ओके यह हमारा प्यारा सा इंडिया है ये अरब कंट्री है अब यहाँ के जो लोग हैं ना इनको जरूरत है कुछ लाइक कुछ स्पीसीज चाहिए और भी वैल्यूएबल थिंग्स चाहिए जो कि इनको मिलेगी कहाँ से जो कि मिलेगी इनको इंडिया से अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया जाएंगे और इंडिया से जो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है उन सबको लेकर आके अपनी कंट्री में मार्केटिंग करेंगे का एंशिएंट टाइम में लोगों के पास में एक से दूसरी कंट्री में जाने के लिए ना लाइक कार स्कूटी बाइक वगैरह कुछ भी नहीं था तो वो उन्होंने एक से दूसरी कंट्री में जाने के लिए या तो लैंड रूट्स को यूज किया एंड दूसरा था आपके पास वाटर और इंडिया के आसपास में तो क्या है ये वाटर है अब इंडिया के आसपास में वाटर है अब इन लोगों को तो जाना है कैसे जाएंगे <laughs> तो यहां पे फ्रेंड थे तीन फ्रेंड थे ये ये तीन फ्रेंड थे तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया तीनों ने कि हम एक शिप लेंगे और शिप के थ्रू हम इंडिया में जाएंगे फिर उन्होंने एक शिप ली ठीक है और ये तीनों के तीनों इस पे इस शिप के ऊपर बैठ गए ओके अभी तीनों ने शिप ली सी फ्लो करती करती फ्लो करती करती फ्लो करती करती कहाँ गए अभी तीनों के तीनों इंडिया के अंदर में आ गए जो भी इंडिया में आ रहे थे ना अब इन्होंने नॉर्मल सी नाव वगैरह बनाई है तो जब ये इंडिया में आ रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा पीछे से कोई प्रेशर कर रहा है इनको कोई धक्का लगा रहा है लाइक पुश कर रहा है और ये बहुत ही ईजिली इंडिया में एंटर हो गए अब यहां पर रहे तीन चार महीने रहे ये ये आपके आए थे कौन सा टाइम था जिस टाइम में आए थे जून मई हाँ जून जुलाई के मंथ्स में आए थे जून जुलाई के मंथ्स में आ फोर मंथ इन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया एंड देन उन्होंने सोचा यार बहुत सारी चीजें ले ली अब हमें अपनी कंट्री में वापस चलना चाहिए देन ये लोग वापस अपनी कंट्री में आने लगे जब ये लोग अपनी कंट्री में वापस आ रहे थे तो इनके साथ में एक चीज हुई ठीक है ये तीनों वापस आ रहे थे ये तीनों उन्होंने डिसाइड किया हम वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री में हमें कहां जाना है इन्हें और अब अपनी कंट्री में वापस आना है तो जब ये वापस आ रहे थे तब भी इनको ऐसा लगा जैसे कोई ऐसी चीज है जो इनको पीछे से पुश कर रही है और ये इजिली अपनी कंट्री में आ गए फिर ही कुछ टाइम तक अपनी कंट्री में रहे देन फिर उन्होंने उसी मंथ में जाना डिसाइड किया ये फिर ये लोग इंडिया गए एंड वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग वापस कहाँ पर आ गए अपनी कंट्री में आ गए तो इनका काफी सालों तक ऐसे ही चलता रहा फिर उन्हें ये सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है मतलब पर्सन चेंज होते रहे थे ऐसा नहीं यही तीन जा रहे थे और भी बहुत सारे लोग थे तो जो ट्रेडर्स थे उनका आना जाना लगा हुआ था तो इनके माइंड में एक चीज आई छोटी सी कैसे कौन सी चीजें हमें जाते टाइम भी पुश करती है और हम जब उधर से आते हैं तो हमें उस साइड से भी पुश करती है बताइए क्या चीज़ हो सकती है जो हमें जाते टाइम भी पुश करे और आते टाइम भी वो थी विंड हम पानी में जब लाइक हम जब बाइक चलाते हैं अगर हम हवा की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पीछे से सारे बाल कैसे आ जाते हैं आगे की साइड आ जाते हैं और हम हवा को जब कट करते हुए आगे की डायरेक्शन में जाते हैं तो हवा हमसे पीछे जाती है अगर हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे जिस साइड की विंड है उस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इजीली किसी भी साइड में जा सकते हैं क्योंकि अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विंड के अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है यहां पर क्या था हवा उनको प्रेशराइज कर रही थी तो उनको इजिली वाटर में तो थे ये तो ईजिली फ्लो करते हुए इंडिया में आ रहे थे एंड देन जब ये वापस आ रहे थे देन उस टाइम भी ये क्या था विंड इनको प्रेशराइज कर रही थी और उस टाइम भी ये इजिली कहाँ आ रहे थे अपनी कंट्री में वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा हमें जो हां की ये जो विंड है ना ये विंड रिवर्स करती है अब ये जाते थे मैंने भी आपको बताया समर के टाइम में जाते थे जून जुलाई के मंथ में जाते थे तो उस टाइम की जो विंड थी उस टाइम की जो विंड थी वो किस साइड से जाती थी जिस साइड से ये जाते थे चलिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूं किस साइड से जाते थे ये वैसे तो क्लियर हो गई होंगी चीजें किस साइड से ये लोग जा रहे हैं ये लोग इस साइड से अरब से जा रहे थे तो अगर हम मैप देखें तो इस टाइप का हमारा मैप होता है ये होता है हमारा नॉर्थ ये होता है हमारा साउथ ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट ये मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स में डायरेक्शन बता चुकी हूं तो ये लोग इस साइड से जा रहे थे तो इस साइड क्या पड़ता है हमारा वेस्ट और नीचे वाटर की साइड से फ्लो कर रहे थे नीचे पड़ता है हमारा साउथ तो ये विंड जो थी वो विंड ऐसे चल रही थी ठीक है ऐसे हमारी विंड चल रही थी तो इसलिए जिस डायरेक्ट जब ये जाते थे उस टाइम अगर हम विंड का नाम ले तो कौन सी विंड थी साउथ वेस्ट विंड और जब ये रिटर्न में वापस आ रहे थे तब नॉर्थ ईस्ट विंड थी तो विंड को सबसे अच्छा आप याद करने का ये तरीका है कि जा किस डायरेक्शन से रहे थे ये साउथ की डायरेक्शन में जा रहे थे और ईस्ट की ईस्ट से सॉरी वेस्ट से जा, जा रहे थे तो वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट जाते टाइम जब आप देखो जाना इधर से है तो साउथ वेस्ट आना उधर से है तो नॉर्थ ईस्ट ये याद करने का सबसे इजी तरीका है आप इसको याद कर सकते हो इजीली ठीक है तो ये विंड डायरेक्शन की वजह से ही मॉनसून भी आता है और यही मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है मॉनसून का इंडिया का क्लाइमेट मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है और मॉनसून किस टाइप से आता है मैंने आपको बताया अभी और चीजें बताती हूं और यह जो लोग थे अरेबियंस जो थे जब ये इनका वापस जाते थे और आ, इंडिया से वापस आते थे तो इनके माइंड में ये चीजें चल रही थी कि हमें जो विंड पुश कर रही है उसको उन्होंने एक नाम दिया और वो नाम दिया इन्होंने मौसम और एक चीज और जब ये जाते थे तब गर्मी होती थी और रेनी सीजन क्योंकि गर्मी के साथ में बारिश आ जाती है जब ये जाते थे तो समर होता था एंड जब ये वापस आते थे ना तो अब विंटर होती थी विंटर होती थी तो कहते थे आप भैया अपने घर चलो ठंड में तो अपना घर ही अच्छा है तो ये विंटर में अपने घर आ जाते थे उस टाइम भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती थी जब ये जाते थे तब समर होती थी उस टाइम भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती थी तो उन्होंने ये सोचा कि जब हम जाते हैं जब हम इस साइड से जाते हैं तब तो समर होती है साउथ वेस्ट जाते हैं तो समर होती है अब जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो विंडर होती है तो उन्होंने कहा सीजन ही प्रॉपर चेंज हो जाता है तो उन्होंने सीजन चेंज करने के लिए इनके यहां पर अरेबिक वर्ड है मौसीम। और मौसीम वर्ड से ही बना है हमारा सीजन उन लोगों ने मौसम नाम दिया सीजन को बट हमने उसको मॉडिफाई करके क्या दिया मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल देखो मैंने अभी बताया यहां पर विंड रिवर्स हो रही थी ना समर में समर में जो विंड थी वो साउथ वेस्ट जा रही थी और विंटर में जो विंड थी वो आ रही थी आपकी नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी विंड तो यहां पर जो विंड थी वो रिवर्स हो रही थी पहले गई फिर रिवर्स होकर वापस आई सबसे सब बेस्ट है आपको वो लोग गए किस साइड से थे और आई किस साइड से थे इससे आप पता लगा सकते हो <laughs> और जाते गर्मियों में थे जाते गर्मियों में थे तो विंड साउथ वेस्ट की थी उनके जाते टाइम आते सर्दियों में थे तो नॉर्थ ईस्ट की विंड थी यही आपकी जो एक तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये प्रॉपर आपका जो पूरा पैरा है या पूरा चैप्टर है क्लाइमेट विंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है प्रॉपर चैप्टर आपका तो इसलिए विंड डायरेक्शन को क्लियर रखना तभी आगे की चीजें भी क्लियर हो जाएंगे रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर और ये साल में दो बार चेंज होती है मतलब इन अ ईयर ड्यूरिंग अयर द विजेस ओके रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया अब हमें पढ़ेंगे रीजनल क्लाइमेट ऑफ इंडिया की इंडिया के कैसे रीजनल क्लाइमेट है और नो देर इज एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल क्लाइमेटिक पैटर्न इंडिया देर आर समिपिटेबल रीजनल वेरिएशन अब आपको यह तो क्लियर हो गया कि इंडिया कैसे था इंडिया में विंड इंडिया इंडिया की जो विंडस जाती थी ना वो वेस्ट और साउथ से इस साइड से जाती थी ओके तो आप इसके बैक से पता लगा सकते हो या फिर ये पता लगा सकते हो जो अरेबियंस थे वो किस साइड से गए थे वो वेस्ट से गए थे तो इसलिए इसका नाम हो गया साउथ वेस्ट क्योंकि अरेबियन इस साइड से गए थे और आने के जब उनकी वापसी हुई तो वो इस साइड से हुई ये टाइम देखो ये न, ये ऊपर नॉर्थ है यहां से आती है नॉर्थ से और नीचे क्या है हाँ और यहां पर क्या है ईस्ट तो इसलिए इस विंड का नाम रख दिया गया नॉर्थ ईस्ट ओके इधर से आई तो नॉर्थ ईस्ट इधर से गई तो साउथ वेस्ट इसी टाइम पर हमारा सीजन भी पूरा चेंज हो जाता हो जाता है इन विंड्स की वजह से और जब इधर से गए तो ये टाइम था आपका समर का और इस साइड जब आए तब ये टाइम था विंटर का ओके चीजें क्लियर हो गई होंगी अब इंडिया में हम सारी चीजें तो देख चुके अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन फेस करने को मिलती है मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है बट उस मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी आपको बहुत सारी वेरिएशन फेस करने को मिलेगा लाइक like, कोई जगह तो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा कोल्डी है एंड किसी जगह पर नॉर्मल टेम्परेचर है कहीं पर बहुत ज़्यादा कोल्डी है इवन माइनस में भी गया हुआ है और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हाइएस्ट है लाइक like, आप थार डेजर्ट ले रहे हो जहाँ का नाम सुनते ही रेगिस्तान माइंड में घूम जाता है कि वहां पर तो ह्यूमिडिटी एंड हॉटी हॉटी सीजन है और जम्मू कश्मीर ले लो तो ठंडी सी लगने लग जाती है बहुत ज़्यादा कोल्डी प्लेस है तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं और इतनी सारी वेरिएशन हमें सिर्फ एक ही कंट्री में देखने को मिलती है कुछ अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो एरिया ठंडा साउथ में अगर जाते हो आप कोस्टल रीजन में तो नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा और सेंट्रल में आ जाओ लाइक दिल्ली वाला पार्ट तो इतनी ठंड है नॉर्थ और साउथ में तो है ही नहीं नॉर्थ में तो अलग है और दिल्ली में तो बस पूछो मत कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये एक एक सेम कंट्री में इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिल रही है आप कितनी सारी वेरिएशन फेस करते हो सिर्फ एक कंट्री के अंडर में चलिए देखते हैं वट इज द क्लाइमेटिक कंट्रोल तो कौन सी ऐसी चीजें हैं विच आर हुज हुई कंट्रोल क्लाइमेट फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकेंड है Precipitable Precipitation Rainfall And Temperature Both are the reason who controls the all climate Okay First start karte hai, temperature The temperature in the winter in north If we talk about टेम्परेचर इन विंटर इन द नॉर्थ हाउ इज द टेम्परेचर इन द नॉर्थ इन विंटर ओ माई गॉड्स इट्स वेरी कोल्डिंग बस इतनी कि हड्डियाँ ना जम जाए बस इतनी ठंड पड़ती है नॉर्थ में प्रॉपर स्नो होती है सारी चीजें इतनी ठंडी ठंडी होती है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है नॉर्थ में क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है इंडिया में तो इस टाइम पे बहुत ठंडा एरिया होता है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स अगर वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो रीजन कैन गो डाउन टू माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस आप समझते हो बिल्कुल ही डाउन जहां पर आप जम सकते हो इवन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है एट द्रास इन जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर वाई इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस इन तिरुवंतपुरम इन केरला अगर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस है देन सॉरी 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 अगर माइन फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस द्रास का टेम्परेचर है जो कि नॉर्थ का सबसे कोल्डी प्लेस है सबसे ज्यादा ठंड कोल्डी प्लेस है ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पड़ता है नॉर्थ में तो वहां का अगर टेम्परेचर माइनस फोर्टी फाइव डिग्री है देन सेम टाइम में अगर हम तिरुवनतमपुरम जो कि के केरला में है उसका टेम्परेचर कंपेयर करें तो ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस है वेरिएशन कितना वेरिएशन है आप इसको देख सकते हो माइनस फोर्टी फाइव डिग्री एंड ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस इट्स नॉट अ नॉर्मल द्रास इज अ वेरी कोल्डी प्लेस एंड वी टॉक अबाउट दुवनतम इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर सिमिलरली इट कैन गो अपू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस समर इन समी वेस्टर्न राजस्थान इन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इन शिलोंग राजस्थान का टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस जाता है समर में एंड शिलोंग में ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस डिफरेंस ऑन द थर्टी डिग्री सेल्सियस फिफ्टी डिग्री राजस्थान एंड शिलोंग ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो आप देख सकते हैं यहां पर टेम्परेचर में जो वेरिएशन है ना वो कितना ज्यादा है और ऐसा नहीं है हम नॉर्थ और सॉरी uh, वेस्ट और ईस्ट की बात कर रहे हो हम एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं इंडिया की मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट की रीजन की वजह से है <laughs> कहीं इतना ज्यादा हॉट हॉट और कहीं इतना ज्यादा कोल्ड गोल्ड और कहीं नॉर्मल भी है शिलोंग 20 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा वेरिएशन फेस करने को मिलेगा देख सकते हो कोल्डी प्लेस एंड हॉट कोल्ड एंड हॉट कोई बहुत ज्यादा कोल्ड तो कोई बहुत ज्यादा हॉट और आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में तो आपको एक डे में ही डे एंड नाइट का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा वेरिड लगेगा दिन का टेम्परेचर फोर्टी डिग्री सॉरी फिफ्टी डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो वही रात का नाइट का टेम्परेचर आपको माइनस में भी देखने को मिल सकता है तो ये वेरिएशन है आपको ये वेरिएशन इंडिया में देखने को मिलती है ओके एनी एरियाज़ देर इज अ वाइड वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कई जगह हमें ये temperature का जो वेरिएशन है डे एंड नाइट में भी देखने को मिलता है इन दर्ड इज डेजर्ट देश अगर हम थर्ड डेजर्ट की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है एंड ड्रॉप डाउन टू नियर फिफ्टीन डिग्री और रात में ये ड्रॉप डाउन हो जाता है फिफ्टीन डिग्री मतलब

सेम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर केरला एंड अंडमान एंड निकोबार निकोबाराइज तो अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है एक सेम कंट्री में तो so, यही है हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट और मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि किस वजह से होता है ये सारा विंड डायरेक्शन की वजह से क्योंकि जो हमारी विंड होती है वो रिवर्स करती है साउथ वेस्ट जाना और नॉर्थ ईस्ट आना नेक्स्ट आज हमारा लास्ट टॉपिक है आज हम यही करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश पर्टिकुलर आप इसको बारिश ही नहीं समझ सकते अगर ऊपर से कुछ भी ड्रॉप हो रहा है ड्रॉप डाउन है तो वो प्रिसिपिटेशन में काउंट हो जाएगा स्नो आपके प्रिसिपिटेशन है ऐसा मत सोचना कि सिर्फ बारिश ही आपके प्रिसिपिटेशन में आएगी स्नो हेलस्टोन एंड रेन एसिड रेन सारी चीजें आपके प्रिसिपिटेशन में काउंट होती है अगर इसमें वेरिएशन की बात करें तो कोई जगह तो ऐसी है जहां पर इतनी बारिश हो रही है इतनी बारिश हो रही है कि साल के 400 के 400 सेंटीमीटर अराउंड हमें बारिश रिकॉर्ड करने को मिलती है और कहीं इतनी है कि 10 सेंटीमीटर भी नहीं है तो प्रिसिपिटेशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है बहुत ज्यादा वेरिएशन फेस करने को होता है देखते हैं चलिए देर इज अ वाइड वेरिएशन ऑब्जर्व इन इट्स अमाउंट एन सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो फॉल अकर ओनली इन अपर पार्ट ऑफ हिमालय स्नो फॉल की अगर हम बात करें तो क्या स्नो फॉल हमें पूरे इंडिया में देखने को मिलती है नो प्रशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल अकर ओनली इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय जो हिमालय के ऊपरी पार्ट है या फिर हिमाचल भी बोल सकते हैं जो ये प्रॉपर हिमाचल है कुछ एरिया में नहीं भी गिरती और पूरा जो हिमालय है उस रीजन में तो गिरती है गिरती है और अच्छी खासी स्नो चाहिए तो अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय द रेस्ट ऑफ कंट्री रिसीव्स रेनफॉल हिमालय के बाद जो पूरी कंट्री बची रिसीव्स रेनफॉल रेस्ट ऑफ द कंट्री रेनफॉल मतलब बाकी किसी को स्नोफॉल नहीं देखनी अगर देखनी है तो हिमालय जाइए

ड्राई स्टेट कोल्डी स्टेट ये सारे आपके मैप में फीलिंग के लिए आ सकते हैं तो इनको फोकस करके ध्यान रखना कि कहां पर कितने टाइप का टेम्परेचर है या फिर प्रसिपिटेशन किस टाइप की है ओके फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन टेन सेंटीमीटर इन लद्दाख कंपेरिजन है कुछ नहीं है एक जगह तो 400 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश हो रही है और एक जगह सेंटीमीटर कह रहा हूं कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता यह वेरिएशन सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है वेस्टर्न राजस्थान मोस्ट पार्ट ऑफ़ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेंबर वेरिएशन देखो अपने इंडिया को देखो कितना ब्यूटीफुल है फ्रॉम जून टू सेप्टेंबर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रोन फॉर फ्रॉम जून टू सेप्टेंबर अराउंड जून टू सेप्टेंबर बट दमिलनाडु कोस्ट गेट्सिंग ऑक्टूबर एंड नवंबर देखा मतलब पूरी कंट्री में तो जून और सेप्टेंबर के बीच में बारिश हो रही है बट तमिलनाडु एक ऐसा कोस्टल रीजन है जहां पर अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में बारिश हो रही है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझाऊंगी की ऐसा क्यों होता है वाई विंड डायरेक्शन याद है अभी आपको रिसेंटली बताई थी साउथ वेस्ट ठीक है यहां ऐसे जाती है बारिश अब साउथ वेस्ट से जो विंड हमारी गई है देखो यहां पर वॉटर है तो ये जो विंड होते हैं ना अपने साथ में मॉइस्चर होल्ड कर कर चलती है अब इनके पास में मॉइस्चर होल्ड करके चल रही है तो कंट्री में एंट्री करी इन्होंने अब कंट्री में जहां पर हिल्स वगैरह आ गए वहां पर कंट्री में जाकर उन्होंने मॉइस्चर छोड़ दिया तो जहां इन्होंने मॉइस्चर छोड़ा वहां सबसे ज्यादा बारिश हो गई ये इस टाइप से जब चलती है तो पूरी कंट्री में इस टाइप से ये इस टाइप से जाकर ऐसे मूव होकर ये रिवर्स में आती है देखो यहां से ऐसे रिवर्स हो रही है ना ऐसे ही रिवर्स में आ रही है तो यहां पर भी आपका क्या है वाटर है जो विंड इस साइड से जा रही है तो यहां पर भी अगर विंड यहां से भी जाएगी तो वो मॉइस्चर को होल्ड करके कर ऊपर जाएगी ना मॉइस्चर को होल्ड कर ऊपर चली जाएगी तो जिसकी वजह से जो बारिश है वो कंट्री में होती है और हिमालय बहुत ही इसका बहुत ही लाइक हमारे रिलीफ फीचर की तरह वर्क करते हैं जो कि हम बाकी में करेंगे तभी बताऊंगी भी नहीं बताऊंगी ओके मॉइस्चर होल्ड करके जब ये जाएगी ऊपर तो बारिश भी आगे ही करेगी बट जब रिवर्सल टाइम में जब विंड रिवर्स करती हैं जब विंड इस डायरेक्शन में आती हैं तो तमिलनाडु हमारा इस कोस्ट पे पड़ता है तो जब ये विंड आती हैं और यहां पर भी आ, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है हमारे फिजिकल फीचर्स में पढ़ा है तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में भी कुछ हिल्स है कुछ माउंटेन्स है तो ये इनसे जब यहाँ से आती है तो बे वे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर होल्ड करती है और उस मॉइस्चर को होल्ड करने का वो तो ड्रॉप डाउन कर देती है तमिलनाडु तमिलनाडु में जिसकी वजह से अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में तमिलनाडु में बारिश होती है उससे पहले बाकी कंट्री में बारिश हो जाती है क्योंकि जो तमिलनाडु की बारिश है ना वो रिवर्सल मानसून की वजह से होती है जब विंड रिवर्स करती है यहां पे मॉइस्चर होल्ड करके लाने के बाद अब जब जा रही हैं तो तो यहां से तो वो उड़ गई तो तमिलनाडु पे बारिश कर नहीं पाई बट जब रिवर्सल मानसून में है तब वो वहां पर बारिश कर देती है ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होती थोड़ी बहुत होती है बट जो एक्चुअल में बारिश जिसको बोलते हैं हम रेनी सीजन वो अक्टूबर और नवंबर का है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ मैं पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी ओके okay? या फिर कमेंट में जैसे मुझसे होगा मैं आपको उसका आंसर दूंगी ओके okay? चलिए पढ़ते हैं कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन फ्रॉम द इंटीरियर रीजन फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड सीजनल कॉन्टेस्ट आर

रीजन ये दिल्ली का पोर्शन है ये आपका तमिलनाडु का पोर्शन है या फिर मेरे को मैप भी नहीं आता अच्छे से बनाना ठीक है ये दिल्ली है और ये इसके कोस्टल रीजन है दिल्ली का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों होता है क्या सेम टेम्परेचर आपको तमिलनाडु या फिर कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है? नहीं इंटीरियर जितने भी रीजन होते हैं वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा होती है गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है जो कि कोस्टल रीजन पे नहीं होती यहां पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब लैंड ठंडी होगी तो वाटर हीट करेगा जब वाटर कोल्ड होगा तब लैंड हीट करेगी तो जो विंड्स हमारी होती है ना वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है जिसकी वजह से हमारा जो इंटीरियर रीजन है वो ज्यादा टेम्परेचर रिसीव करता है मतलब ठंड भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा लाइक इसको आप ऐसे देख सकते हो ये लैंड है ये लैंड है हमारी आ, इसको ये लैंड है हमारी यहाँ पर जब हीट पड़ेगी सन की रेज पड़ेंगी जो इस पर विंड होती है एयर होती है वो हॉट होकर ऊपर की तरफ उठती है ऊपर की तरफ उठने का थी, एक लेवल तक तो ऊपर जाती है उसके बाद में ये दोनों पार्ट्स की साइड में डिवाइड हो जाती है फिर ये अट्रैक्ट करती है कोल्ड विंड की अब यहाँ पर कोल्ड विंड की तरफ अट्रैक्ट होकर फिर से किस साइड जाएगी हॉट विंड की तरफ कोल्ड लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर तो जहां तक हाई प्रेशर है वहां तक जाइए लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कन्वर्ट होती है यहां पर हीट पड़ रही है तो इसलिए कैसा प्रेशर है लो प्रेशर बना लो प्रेशर बनकर चीजें ऊपर उठती हैं और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है हाई प्रेशर की वजह से अब इधर हाई प्रेशर है हाई प्रेशर की तरफ ये अट्रैक्ट हुई तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कोस्टल रीजन पर जब लैंड आपकी सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज बोलता है जब आपकी लैंड गर्म है तो ओशियन आपका ठंडा है जब गर्म है 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 देन लैंड ठंडी इस वजह से जो कोस्टल रीजन होता है हमारा वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल फेस करने को मिलता है और इंटीरियर रीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां का इस टाइप का नहीं होता अब कोल्ड है तो ऑल टाइम कोल्ड ही है लैंड ही है वो ओशन तो है नहीं जो एक टाइम पे ठंडा और एक टाइम पे गर्म हो जाएगा और गर्मियां हैं तब भी लैंड नहीं है तो वो प्रॉपर हीट एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से हमें ज्यादा गर्मी लगती है फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड कंट्रास्ट आर रिलेटिवली माइंड द रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये भी आपने देखा होगा मेघालय हमारा ईस्ट में पड़ता है जो कि हमने इससे पहले देखा था मेघालय हमारा ईस्ट में पड़ता है बारिश हो रही है फोर सेंटीमीटर और लद्दाख हमारा टेन सेंटीमीटर बारिश हो रही है और राजस्थान हो रही है वेस्टर्न राजस्थान राजस्थान वेस्ट राजिस्थान। राजिस्थान में है और मेघालय ईस्ट में है तो देखा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम ऐसे आएंगे तो इस साइड में जो बारिश है वो धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है कम होती जा रही है तो यहां पर यही बोला गया है कि जो रेनफॉल आल्सो डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है फिर धीरे 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 वो बारिश कम होती चली जाती है सच डिफरेंस है वेराइटी इन लाइफ ऑफ पीपल और एलिमेंट्स एंड ऑल आर दिचुएशन ऑल आर दिचुएशन एंड ऑल आर द एलिमेंट्स आर डिफरेंस है वेराइटी इन पीपल्स लाइक द फूड द ईट जो भी खाना वो खा रहे हैं जो भी कपड़े वो पहन रहे हैं The clothes they wear, the kind of houses they use for living, and so on. Like we are eat to rice and fish. We are belong to coastal region, that's why we are eat to rice and fish. If we are belong to uh, field region, ya, field, sakte hai, plain area, we are eat to rice, wheat.

We वी हैव ऑल टाइप ऑफ स्पीसी metals mining all are the minerals but not agriculture. तो हम जिस भी अगर हम किसी ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो हम कॉटन के कपड़े पहनकर थोड़ी घूमेंगे यार कॉटन के कपड़े पहनकर नहीं घूमेंगे क्यों क्योंकि ठंडा रीजन है वो रशिया में हम कॉटन के कपड़े पहनकर नहीं घूमेंगे बट इंडिया में हम विंटर में कॉटन के कपड़े पहनकर नहीं घूमेंगे बट समर में हम विंटर के कपड़े के, के कपड़े कपड़े पहनकर नहीं नहीं घूमेंगे पहनेंगे क्यों क्योंकि सीजन अलग है तो सीजन टू सीजन वेरी करता है टेम्परेचर डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है कि हमें कब कौन से कपड़े पहनने हैं किस टाइम हमें कौन सा खाना खाना है किस टाइप के हमें घर में रहना है सपोज जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं वहां तो हम Uh, ये ट्राई करेंगे ना कि घर ऐसा बनाए कि इनकेस कभी गिर भी गए तो हमें ज्यादा लॉस ना हो ओके okay, तो ये ऑल द चीज़ें डिपेंड ऑन द सिचुएशन कंडीशन एलिमेंट्स ओके आई होप आप सभी को ये टॉपिक प्रॉपर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड फिर भी किसी को कोई डाउट है एनी कंफ्यूजन तो यू ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स तब तक के लिए चलो मिलते हैं बाबा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक प्यारी से मत से नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए चलो बाय